हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जिससे कि आपका जो जॉब है वो क्लियर हो जाए और आप आराम से जॉब कर पाए। मैं ज़्यादा आपको ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा किसी भी मामले में। अगर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं इतना बताऊंगा जिससे कि जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे वो आपके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा और आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। आपको दोबारा किसी से पूछने या दोबारा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे बताता हूँ, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊँगा कोई भी चीज़। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जब आप फर्स्ट डे आप जॉब के लिए जाते हो डिजिटल मार्केटिंग में, और फिर क्या होता है? आप सोच के जाते हो कि आप फ्रेशर हो और थोड़ा आपको नॉलेज कम है, तो क्या करना होगा, कैसे करेंगे काम? अगर जो पकड़ा तो कुछ वर्क उन्होंने पकड़ा दिया कि ये लीजिए ये काम है और आपको ये काम करके देना है हमें, तो कैसे करेंगे ये काम? तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसा कि जैसे आप जाएंगे, आपको सिस्टम मिल जाएगा या फिर आपको लैपटॉप मिल जाएगा, तो उसके बाद वो आपको एक वेबसाइट देंगे जिससे कि आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले वो बोलेंगे कि इस वेबसाइट का रिव्यू कीजिए और आप इस वेबसाइट के बारे में क्या समझते हैं वो हमसे एक डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। तो आपको क्या करना है, तो इसी के बारे में है आज का वीडियो। तो मैं आपको सिस्टम पर लेके चलता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो थोड़ा आप लास्ट तक देखिएगा, और जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी उसे कॉपी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपको मैं लेके चलता हूँ अपने सिस्टम पे। तो गाइस, जैसे आप अपना जॉब ज्वाइन करते हैं और जॉब ज्वाइन करने के बाद ही तुरंत जो सबसे पहला स्टेप होता है आप पहुंचेंगे, तो वो फर्स्ट आपको एक दो वेबसाइट्स पकड़ा देंगे कंपनी वाले। तो वो सिंपल आपको बोलेंगे कि आपका फर्स्ट डे सेकंड डे है, आप इस वेबसाइट को एनालिसिस कीजिए। और आपको एनालिसिस करके बताना होता है कि आखिर ये वेबसाइट कैसा है, कैसा चल रहा है, बाकी इसका ए टू जेड इस वेबसाइट के बारे में। कोई सा भी वेबसाइट आपको पकड़ा देंगे तो उसके बारे में आपको उसकी एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस आप किस पैरामीटर पर करेंगे तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, तो उसी के स्टेप्स जो आपको फर्स्ट रिपोर्ट, अगर वो उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट का एक रिपोर्ट बना के आप सबमिट करो कि कैसा वेबसाइट है, आपको कैसा लगता है, क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर एक रिपोर्ट तैयार करो इस पर्टिकुलर वेबसाइट का। तो जो आपको करना है, जो सबसे पहले आपने वेबसाइट देख लिया, ठीक है, चल एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, abcconsultants.in, ये एक वेबसाइट है और ये दिल्ली की वेबसाइट है, जॉब प्रोवाइड करती है ये कंपनी। सबसे पहले आपको जाके उसके अबाउट अस में, आपको जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अबाउट अस में जाके कंपनी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये abcconsultants.in है, तो मतलब इंडिया की वेबसाइट है। डॉट इन होगी तो जनरली जो जितने भी होते हैं वो इंडिया की वेबसाइट होती है, और डॉट कॉम होगी तो यूनिवर्सल हुई, ठीक है। और अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ये जॉब प्रोवाइड करती है ये कंपनी। जब अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये जॉब प्रोवाइड ऐसे नहीं करती है, ये सिर्फ कंपनीज को टारगेट करती है, लाइक IBM हो गया या फिर SCL हो गया, इन कंपनीज के को की हायरिंग जो होती है वो ये कंपनी करके देती है, ठीक है। तो कॉरपोरेट डीलिंग में ये कंपनीज काम करती है। तो ये फ़ायदा हुआ मुझे अबाउट अस पढ़ने से, सिर्फ ये ABC कंसल्टेंट से मुझे मालूम चल गया कि और ये कंपनी कहाँ पर है। तो इसके लिए हम सीधा हम जाएंगे कॉन्टेक्ट अस पे, और कॉन्टेक्ट अस पर हम देखेंगे कि कंपनी कहाँ पर है। तो ये कंपनी नेहरू प्लेस में है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो ऐसे करके हम वेबसाइट के बारे में हमने जान लिया तो मोटा मोटा, क्योंकि जब भी वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है आप इस वेबसाइट के बारे में क्या जाना, आपने क्या है ये कंपनी किस चीज़ में डील करती है, तो आप उन्हें बता सकें। जो सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपने abcconsultants.in है, आप इसे सिंपल आपको ये करना है कि आपको जानना है कि कितने पेजेस वेबसाइट में है, या गूगल के पास जो इंडेक्स पेजेस हैं, आप इंडेक्स से मतलब समझ गए कि गूगल ने अपने पास कितने पेजेस रखे हुए हैं, तो वो आपको जानना है। तो एक मैंने मोटा मोटा एक फॉर्मेट बना लिया है, इसी तरह का रिपोर्ट बनाइएगा, ABC कंसल्टेंट ऊपर लिख दीजिए, इसे फॉर्मेट वगैरह चेंज कर लीजिएगा।
तो गूगल का जो कितने इंडेक्स पेजेस इसके पास है तो वो हमें मालूम करना। तो इंडेक्स पेजेस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। आप अगर गूगल कर रहे हैं तो गूगल डॉट तो आपने इससे तो ये मालूम चल जाएगा कि ये कंपनी जो टारगेट कर रही है वो इंडिया कर रही है या फिर यूएस के कहीं बाहर की कंट्री को कर रही है। तो अगर डॉट कॉम बोलता है तो ठीक है, नहीं तो डॉट इन भी आप ले सकते हैं। तो डॉट इन ले लीजिए, जनरली डॉट इन भी रहेगा क्योंकि ये इंडिया की वेबसाइट टारगेट कर रही है, तो इसलिए हम डॉट इन ले रहे हैं। आप सिंपल जाके गूगल में ये टाइप कर दीजिए और उसके आगे आपको करना है क्या, ये हटा दीजिए, आगे कुछ नहीं लगाना है, पीछे कुछ नहीं लगाना है, सिंपल जाके SITE और ये कॉलन लगा दीजिएगा आप, ठीक है। बस इंटर मार दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने पेजेस वेबसाइट में हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चैनल से लॉगिन हैं या फिर जीमेल से लॉगिन हैं तो बेटर होता है कि आप उसे साइन आउट कर दीजिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा वो डिफरेंस होगा रिज़ल्ट में। तो इसे आप हटा दीजिए। इसके अलावा आप ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 194 पेजेस हैं जो कि रिज़ल्ट आया हुआ है, मतलब कि इतने पेजेस गूगल के पास हमारा इंडेक्स्ड है। तो आपको यहाँ से ये जो फिगर है ये कॉपी कर लेना है और इंडेक्स के सामने हमें ये एक रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं जो आप अपने सीनियर को भेजेंगे। 194 हमने यहाँ लिख लिया, 194 इंडेक्स पेजेस हो गए, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं कि साइट में कितने बैकलिंक्स हैं, ठीक। बैकलिंक करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको टाइम वेस्ट ना हो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। LINK लिंक करके आप किसी भी वेबसाइट का आगे पीछे से हटा दीजिएगा और इंटर मार दीजिएगा। तो कितने बैकलिंक आ रहे हैं इसके, 712000, ठीक है। ये उठा लीजिए फिगर, ये इसका बैकलिंक हो गया, बैकलिंक फिगर से भी आपने लिख लिया। डोमेन एज क्या होता है कि डोमेन एज बाय द वे जानना क्यों ज़रूरी है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। डोमेन एज जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है वेबसाइट कितनी पुरानी है, तो सिंपल जाके आप कर सकते हो डोमेन एज करके भी। आप डोमेन एज चेकर, बहुत सारे वेबसाइट आती है तो वो आप गूगल कर लीजिएगा और सिंपल जाके उस वेबसाइट का नाम वहाँ टाइप करेंगे तो वो बता देगा कितनी पुरानी वेबसाइट है। अगर नई वेबसाइट होगी तो काम करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर पुरानी वेबसाइट डोमेन हुई तो उसमें आपको कम टाइम लगता है। तो इसलिए हम मालूम करते हैं कि हम कि ये डोमेन एज क्या है, कि अगर पुरानी वेबसाइट डोमेन होती है तो गूगल उसको ज़्यादा वेटेज देता है इन कंपेयर न्यू। तो किसी भी टूल से आप जाके पता कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स आपको ऑनलाइन पड़े हैं, किसी पे भी फॉर अ रैंडम आप कर सकते हैं कि आप चेक कर लीजिए दो तीन से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए ये 14 ईयर ओल्ड वेबसाइट है ये, तो ये आप यहाँ से डोमेन एज आपको मिल गया। वेबसाइट का नाम आप देख लीजिए, स्मॉल SEO टूल्स करके नाम है, आप इसे रेफर कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिख दिया कि इतना पुराना वेबसाइट है, करीबन 15 साल पुराना ये वेबसाइट है, तो मतलब इसे रैंक कराना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सेकंड और थर्ड आते हैं हम, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि गूगल एनालिटिक कोड। आप समझ लीजिए कि ये वेबसाइट है, अब आपको पकड़ा दिया और इन्होंने कहा कि इसमें गूगल एनालिटिक कोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। एक तो बहुत सिंपल तरीका है, बाकी टूल के थ्रू भी हम मालूम कर सकते हैं, बट आपके लिए मैं फॉर अ बिगनर आपको बता दूं, कंट्रोल यू कीजिए, कंट्रोल दबा के यू दबाइएगा तो पूरा कोड आपको यहाँ दिख जाता है। सिंपल सा है, कंट्रोल एफ कीजिएगा, UA- मारिएगा तो आपको सीधा जो उसका नंबर होता है ना गूगल एनालिटिक का, ये आपको दिख जाएगा। तो इसका आप यहाँ देखिए, ये पूरा कोड है, आपको यहाँ गूगल एनालिटिक भी दिख जाएगा, गूगल एनालिटिक लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब गूगल एनालिटिक का कोड लिखा हुआ है। तो गूगल हमने लिख दिया ओके। अब क्या है कि मैं ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए अब साइट XML साइट मैप होता है। अब XML साइट मैप में क्या होता है कि गूगल जो इंडेक्स करके जितने भी साइट मैप पर जितने पेजेस होते हैं उसको है या नहीं है, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। आप सिंपल जाके यहाँ पर साइट मैप पर अगर टाइप करते हैं तो ये दिखा देता हूँ आपको, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले निकाला हुआ था, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। निकालने का तरीका भी बता देता हूँ आपको, बहुत इजी है, सिंपल जाके आपको ना साइट, ये देखिए साइट मैप,
मैं पीछे ये हटा भी दूँ ना तब भी काम कर जाएगा। डॉट एक्स एम एल करके आप टाइप मार इंटर कर दीजिए तो आपको इसका साइट मैप आपको दिख जाएगा। ये देखिए इन्होंने साइट मैप किया हुआ है, तो इस तरह का साइट मैप इन्होंने डाला हुआ है, तो वो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा। हर वेबसाइट का अलग अलग साइट मैप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोबो डॉट टी एस टी। रोबो डॉट टी एस टी इसलिए होता है अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पेज यूज़र ना देखे, यूज़र ना देखे मतलब समझ लीजिए कोई एडमिन पेज है, अब नहीं चाहते हैं कि ये एडमिन पेज जो है या लॉगिन डिटेल है ये कोई और देखे, तो आप रोबो डॉट टी एस टी में जाके आप डिसअलाउ कर देंगे ना आप, तो वो उनको नहीं दिखेगा। ये देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिसअलाउ किया हुआ है कि ये नहीं चाहते हैं कि जो कस्टमर है जो यूज़र है वो इन्हें देखे, तो जहाँ भी आ गया स्लैश लगा हुआ है तो वो हट जाता है। ठीक है, साइट मैप और रोबो डॉट टी एस टी का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप रेफर कर लीजिएगा। तो आप सिंपल जाकर यस और नो कर लीजिएगा, अगर मिल गया तो आप लिख के यस कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कैसे मालूम कीजिएगा आप? एक तो इंडेक्स पेजेस हो गया, और नंबर ऑफ पेजेस मालूम करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि साइट मैप जो होता है इसका साइट मैप अगर यहाँ लगा हो, मैंने इसी तरह रैंडम एक वेबसाइट चूज़ कर लिया, आप जो XML जो साइट मैप होता है जो नॉर्मल साइट मैप होता है उसके थ्रू अगर पेज काउंट करेंगे तब भी आपको मालूम चल जाएगा, या फिर हम ज़ेन्यू एक जो टूल होता है ज़ेन्यू ये टूल होता है XENU ज़ेन्यू लिंक चेकर, ज़ेन्यू का एक सॉफ्टवेयर होता है ज़ेन्यू, आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक चेकर, ये एक डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। इसमें ब्रोकन लिंक आपको मालूम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, साइट मैप भी ये जनरेट कर देता है, बहुत सारा फ़ायदा है अगर ज़ेन्यू का पर अगर आप चाहिए तो आपको जानना है तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसके थ्रू आपको पेज रैंक कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो मालूम चल जाएंगे। ऐसे आप अगर मालूम करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, बट इस तरह काउंट करेंगे तो वो जो रेशियो आएगा वो गलत आएगा क्योंकि इंटरनल पेजेस बहुत सारे होंगे। तो इसका साइट मैप आप जनरेट कर लीजिएगा साइट, क्योंकि मैं भी जनरेट करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका साइट मैप जनरेट कर लीजिएगा और साइट मैप में आपको बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हैं कितने पेजेस हैं, क्योंकि वो सीरीज़ में आ जाते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो नंबर्स आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा, गूगल इंडेक्स पेजेस और नंबर ऑफ पेजेस ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर जो आपका गूगल के पास इंडेक्स है और ये जो नंबर है वो सेम होगा, वो अलग अलग मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें पेजेस जो होंगे वो कम होंगे और इंडेक्स पेजेस ऑलवेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि जब नंबर ऑफ लिंक्स वगैरह जो बनते हैं इंटरनल लिंक्स उससे ये पेजेस के जो काउंटिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पेज रिस्पॉन्सिव है या वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वेबसाइट जो है वो मोबाइल में ठीक से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पर आप मालूम कर सकते हैं, तो एक SEO टू चेकर ऑनलाइन, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं कि वेबसाइट पर, जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इस पर आपको लगभग लगभग सब कुछ मिल जाता है, इस पर आप ऑडिट कर सकते हैं रिपोर्ट को बहुत इजीली, आपको ये आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देता है। आप ये नोट कर लीजिएगा SEOPT टाइमर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाती है। आप ये देखिए पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ दिखेगी, सारी डिटेल्स, SEO काम कैसे कर रहा है, SEO इज गुड। ठीक है, ये आप यहाँ कहीं नोट कर लीजिए, अगर आपको चाहिए होगा ये लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। मेटा टैग वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वो भी हम इसमें चेक करेंगे, एक तरह से आप बोल सकते हो हम पूरी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं हर एक पैरामीटर पे, क्योंकि
वो कैसा है, क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए टू जेड चीज़ें हम देखेंगे, ऑल टैग काम कर रहा है, ऑल टैग लगा है कि नहीं है। तो ऐसे हर एक पैरामीटर पर हम चेक करेंगे। नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ पेजेस का मैंने बता दिया, रिस्पॉन्सिव है या नहीं, रिस्पॉन्सिव मतलब वेबसाइट पर कैसे खुल रहा है, तो रिस्पॉन्सिव का आपको इसी में दिख जाएगा। ये देखिए, ये मोबाइल पर भी दिखा दिया। आप चाहें तो अगर अच्छा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट हर एक के नीचे आप लगा सकते हैं कि हाँ कि ये कैसा, तो एक अच्छा रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव के आगे आप लिख सकते हैं यस, ठीक है। पेज स्पीड अगर 3 सेकंड से ऊपर होता है तो नीचे होता है तो मतलब अच्छा होता है, अगर नीचे होता है तो, अगर आप 2 सेकंड या 3 सेकंड होता है तो काफ़ी अच्छा है, मैक्सिमम अगर 5 से 6 सेकंड भी होता है तब भी बेटर है। तो आप पेज स्पीड यहाँ चेक कर लीजिएगा, पेज स्पीड बहुत सारे, या तो वेबसाइट स्पीड चेकर करके भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला अच्छा है, ये ही मैं यूज़ करता हूँ। पिंगडम यूज़ कर लीजिएगा, ये अच्छा है, ये एग्जैक्ट देता है। आप वेबसाइट का नाम कॉपी कर लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं। आप यहाँ से आप टाइम चेक ये हटा लीजिएगा, जर्मनी में क्या स्पीड है इसकी वेबसाइट की आ रही है और इंडिया में क्या स्पीड है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर 3 सेकंड से नीचे है तो अच्छी है, लेकिन लगभग मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 5 से 6 सेकंड के बीच में भी है। यहाँ भी आपको वेबसाइट का स्पीड आपको दिखा देगा, दिखाता हूँ, शायद होना चाहिए, ये देखिए। हाँ, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट उठा के आप वहाँ लगा सकते हैं, बट वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि फिर कहाँ से लिया आपने, तो वो ऑथेंटिक लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये देखिए, ये ग्रीन लाइन के अंदर होता है तो बहुत बढ़िया होता है, अगर सर्वर से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सर्वर से रिस्पॉन्स समझ रहे हैं आप कि हमने यहाँ कुछ टाइप किया, जहाँ सर्वर पर हमारी वेबसाइट होस्टेड है वहाँ से रिएक्ट कितनी जल्दी आ रहा है, तो वो चीज़ें इससे मालूम चल जाती है। तो ठीक है, 6 सेकंड के आसपास है, 0.6 सेकंड में ये वेबसाइट खुल जा रही है, तो बहुत बेटर है, गुड है। तो आप इसमें आप लिख दीजिएगा यस या फिर गुड लिख दीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया जितने भी लिंक्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर, अगर यहाँ लगा है तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो आप हर एक पैरामीटर पर जाके वेबसाइट के देखिए, यहाँ फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन मतलब इसका लगा हुआ है, तो इसके आगे तो आप यस कर सकते हैं, बाकी यस कर सकते हैं। इससे ये मालूम चल गया कि आपने हर एक पैरामीटर उसका आपने चेक किया, और ये एक तरह का रिपोर्ट आप उनको बना के दे देते हैं, ठीक है। अब SSL क्या होता है? SSL एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है जो कि हम लगाते हैं, जैसे HTTPS है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गया HTTPS, और गूगल भी इसे वेटेज ज़्यादा देता है, मान के चलता हूँ ज़्यादा नहीं, बट अगर 10% भी है तो वेटेज आपको ज़्यादा मिलता है SSL का, ठीक है। तो SSL लगा हुआ है तो यस, हाँ लगा हुआ है। आप मेटा टैग एक बार चेक कर लीजिएगा कि लगा हुआ कि नहीं, अगर लगा हुआ है तो यस लिख के आपको कमी बतानी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ये लिखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें नहीं है, वो तो नीड टू मॉडिफाई, ठीक है, तो नीड टू मॉडिफाई कर दीजिएगा, ऑल टैग लिख दीजिएगा इज, अगर हम सब कुछ अच्छा अच्छा लिख देंगे तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है फिर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको 13 पैरामीटर्स दिए हैं अभी, तो आप ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो टूल दिया है ना मैंने, ये वाला, इस पर जाकर चेक कर लीजिएगा इस पर। और एक चीज़ और है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है वो आप मत उठाइएगा, जैसे कि ये जावा स्क्रिप्ट एरर JIP, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आपको आता नहीं होगा, तो आप अगर ये उठाएंगे तो वो पूछेंगे जावा स्क्रिप्ट, आपको जावा स्क्रिप्ट आता है किस टाइप का एरर है, ठीक है, तो वो आपको नहीं उठाना है, और वो हमारा फील्ड भी नहीं है। तो अगर वेबसाइट स्लो चल रहा है तो हम जावा स्क्रिप्ट का एरर को हम ठीक करवाएंगे, या फिर अगर फ्लैश बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो फ्लैश गूगल रीड नहीं करता है, PDF रीड नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, तो उनको ये बोलना है कि किस किस, हाँ तो ये फ्लैश यूज़ नहीं करना है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करके आप वेबसाइट को
डेवलप कीजिए, और सेकंड है H1 टैग लगा हुआ है कि नहीं टैग लगा हुआ है तो वो भी लिखना है। तो हेडर हेडर टैग तो आप लिख दीजिएगा यस नीड टू मॉडिफाई, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको जो पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, ठीक है। अब ऑल टैग क्या होता है? ऑल टैग इज मिसिंग। ऑल टैग होता है, पता है क्या होता है? ऑल टैग होता है जैसे कि इमेज जितने भी लगे हुए हैं ना, उस इमेज पर अगर मैं माउस लेके जाऊँ ना, तो माउस के साथ इस पर ना इसका नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो ऑल टैग नहीं लगा हुआ है, तो ऑल टैग इज मिसिंग। तो कितने ऑल टैग मिसिंग हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, अगर इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊँ तो इसके ऊपर ABC कंसल्टेंट लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि ये इसका लोगो है, तो ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो आपको सजेस्ट करना है कि ये लगा हुआ होना चाहिए। फ़ायदा क्या है इसका? बाय चांस कोई इमेज के थ्रू जो कोई बंदा ढूंढता हुआ ABC कंसल्टेंट के आता है, तो वो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे लैंड कर जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पेजेस आप एक बार, इसके बाद जो आता है कि फिर कौन कौन से कीवर्ड हैं जिस पर की वेबसाइट रैंक कर रही है, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो भी आपको निकालना है वेबसाइट का। तो आप वेबसाइट के बारे में पूरा पूरा जानिएगा, तो उसके बाद 10 कीवर्ड्स इसमें आप मोटा मोटा ऐड कर सकते हैं कि वो 10 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो कॉर्पोरेट में डील करता है, तो कॉर्पोरेट से, और देखिए आउटसोर्सिंग और ये सब सारे जो होंगे वो इसके मेन कीवर्ड हो गए, कि हर एक फील्ड में हम और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो हम ये हर एक सेक्टर को टारगेट किया है इन्होंने। तो इस तरह से आप भी एक तरह का रिपोर्ट बना सकता हूँ, बना सकते हैं आप, बहुत इजी है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है आपको जॉब में, तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, आपको वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा वीडियो के थ्रू, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर फ्रेशर हैं तो बहुत इजीली आप हर एक जॉब क्रैक कर लेंगे। ये एक तरह का जो मैंने बताया ना, ये आप ना बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये जो जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताया ना, ये इन पैरामीटर्स को याद कर लेंगे ना, तो आप मतलब समझ लीजिए आपने ना 50% अपना जो वर्क है ना वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर इंटरव्यू में भी अगर ये पूछते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें भी अगर आपने बता दी ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।